गाइस हम लोग पूरा पहाड़ी एरिया में आ गए। ये पूरा क्षेत्र जो है पहाड़ से घिरा हुआ है और अगल बगल जंगल है। ये रोहतास नहीं है, ये स्वर्ग है। इसको तो हेलो गाइस, मैं हूँ मास्क मैन और आप देख रहे हैं मास्क मैन ब्लॉग। तो गाइस आज मैं नहा धोवा के तैयार हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी जा रहा हूँ, कोई कुंड जैसा कुछ है, महाकुंड है कशिश नाम से, वहाँ पे जाऊँगा आज, आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में। अभी तो घर से निकला हूँ और मौसम भी थोड़ा बादल टाइप का किया हुआ है। चलिए आपको वहीं लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मंजिल अभी से ही थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कशिश वाटरफॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्ता है कशिश जाने का, और यहाँ पर लिखा हुआ है कशिश 3.5 किलोमीटर दूर है, और ये है हमारा वाहन। यहाँ पर हम लोग गाइस थोड़ा खाने पीने का कुछ सामान ले रहे हैं, मेरे दोस्त लोग ले रहे हैं और वहाँ पर मिलता नहीं है। क्या एक्सपीरियंस है अनुराग? मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, अभी तो कुछ करवे नहीं, पानी ना मिलती होगा। तो गाइस फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंच गया है। अभिषेक भैया क्या कहना चाहते हैं, इधर आइए, आप बहुत दुखा रहे हैं। हेलो गाइस, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पहाड़ी एरिया में। इस पहाड़ी इलाका है जी, आप लोग देख सकते हैं ये पहाड़ी इलाका है जैसा अभिषेक भैया बता रहे हैं। और जी कुछ दिन में हमको लग रहा है कि ये वायरल हो जाएगा ये जो जगह है जी, अभी नहीं, लेकिन जैसे हम लोग देखते कोई कोई आएगा वीडियो वगैरह बनाएगा करेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि बिहार में काबा, बिहार में क्या है, तो बिहार में क्या है आज मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आपका भाई बोला था कि संडे को कोई अच्छा सा ब्लॉग आएगा, तो ये है वो ब्लॉग आपके लिए। मैं आया हूँ यहाँ पर, अब देखिए कितना अच्छा व्यू है और पहाड़ भी है। दोस्तों हमें लगा था कि यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पसीने से लथपथ हो चुके हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा धूप उगा है। तो गाइस बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और हमारी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, और रास्ते भी है जो ये आप देख सकते हैं कि कितना पथरीला रास्ता है, और आते आते हम लोग का हालत ख़राब हो गया। यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है गाइस बिल्कुल भी, हमें लगा था पानी आएगा। तो गाइस इस ब्लॉग में आप देखिए कि हम लोग आए हैं बहुत ही पहाड़ के नज़दीक, कशिश पहाड़ का नाम है। यहाँ पर जो है पानी बहता था पहले, अभी नहीं आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे जगह जगह पे लोग चिकन बना रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, और एक हम लोग हैं जो सिर्फ समोसा लेके हमारे फूफा जी के साथ ऐसे ही आ गए बिना किसी तैयारी के। ये हैं हमारे फूफा जी, द वन एंड ओनली पीस।
आप समझ जाइए ये पथरीली रास्ते।